हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने ये पूरा पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न नंबर एक। और हाँ, पाठ तो बता दें कौन सा चल रहा है। पाठ चल रहा है आपका जंतुओं में जनन, पाठ 7। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, जैसा कि होता ही है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक कौन सा है? पाचन, श्वसन, प्रजनन या उत्सर्जन? इसका आंसर आपको पता है, ये है आपका प्रजनन। ठीक है। बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो मेंढक में, गाय में, मनुष्य में या बकरी में, किस में? सलजी सोच के बताइए कि किस में शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर होता है मेंढक में, तो इसलिए ये है बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल। फिर आता है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन कौन सा होता है जिसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है? तो दो नर जंतु, एक नर व एक मादा, दो मादा या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। इसका आंसर है एक नर व एक मादा। ठीक है। इसके बाद आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर हो रहा है, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर? तो इसका आंसर है मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग है, मादा जननांग वृषण, गर्भाशय, शिश्न या शुक्रवाहिनी? तो आंसर इज गर्भाशय। ठीक है, अब आ जाइए सही गलत पे। दूसरा क्वेश्चन, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, क्या ये सही है? नहीं, अमीबा करता है द्विखंडन के द्वारा। मुकुलन में तो हाइड्रा से, हाइड्रा का होता है मुकुलन से। तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, इसका निषेचन जल के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, क्या होता है अलैंगिक में निषेचन? नहीं, अलैंगिक में तो एक ही पेरेंट चाहिए होता है, तो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता। शुक्राणु नर युग्मक है, यस, शुक्राणु नर युग्मक है। अंडाशय से शुक्राणु निकलता है? नहीं, अंडाशय से तो अंड निकलता है, तो ये गलत है। ठीक है, अब आ जाइए जोड़े मिलाने पर। मेंढक, मेंढक ढूंढिए क्या है इसमें, नर युग्मक है? नहीं, जरायुज है? नहीं, बाह्य निषेचन, यस, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, अभी हमने पढ़ा था। केचुआ, केचुआ एक द्विलिंगी, केचुआ द्विलिंगी है, मतलब केचुए में नर और मादा एक ही केचुए पर पाए जाते हैं। उसे कुछ खंड जो होते हैं वो नर के होते हैं, जैसे केचुआ है। ये मेरा बुक खराब हो गई है, मैं पेन यूजुअली यूज नहीं करती हूँ बुक पे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं इसलिए पेन से लिखती हूँ। ठीक है, ये केंचुआ है, तो इसमें कुछ खंड जो होते हैं वो नर के होते हैं और कुछ इसमें मादा के होते हैं। तो मतलब दोनों नर और मादा एक ही जंतु पे हैं, तो इसको बोलते हैं द्विलिंगी जंतु। मनुष्य क्या द्विलिंगी है? नहीं, मनुष्य एक लिंगी है, एक पर एक ही लिंग होता है, या तो नर होगा या मादा होगा। शुक्राणु किससे निकलते हैं? शुक्राणु देखिए नर युग्मक, हाँ शुक्राणु नर युग्मक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। फिर है मनुष्य, मनुष्य जरायुज है, जरायुज मतलब जो बच्चे देते हैं। अंडाणु, अंडाणु अंडाणु मादा युग्मक है, यहाँ आ जाइए। और भ्रूण गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो ये आपके जोड़े मिलाने तक का कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू, बाय।